यहाँ देखो भाई, इस रोड के ऊपर पे ये देखो, ये भी ना कल की बारिश से हुआ है। इतनी हम ना गांव से थोड़ा इधर साइड आए थे, तो यहाँ देखो भाई, दो तीन दिन की बारिश से ना इतना खतरनाक पानी आता है यहाँ। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और भैया, आजकल पहाड़ों में चल रही है बारिश और टूट फूट, मतलब हर जगह आपको खेत टूटे हुए मिलेंगे, लगभग खेत टूटे हुए मिलेंगे। बाकी ऐसा कुछ मौसम हो रखा है, अभी तो सुबह के टाइम पे मस्त सुहाना मौसम हो रखा है, लेकिन शाम के टाइम पे ना, मतलब कल रात के टाइम पे तो इतनी तगड़ी वाली बारिश हो रही थी, खतरनाक वाली बारिश। बाकी अभी सुबह का टाइम है और साथ में गांव में एक फंक्शन भी है, तो वहां हमको बुलाया गया है। और अभी यहां पे एक और भाई आने वाला है नीचे पर से, तो वो भी आएगा, तो तब साथ चलेंगे। बाकी तैयार होते हैं और चलते हैं भाई ऊपर की साइड, रांची की साइड। बाकी अभी इसका वेट करते हैं और फिर चलते हैं। तो फाइनली नाश्ता ओवर हो गया और साथ में यहाँ पे भाई भी पहुंच गया, प्रदीप। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं रांची की तरफ, वहाँ पे गांव में वो प्रोग्राम, वहाँ पे मुंडन का प्रोग्राम है, एक छोटे बच्चे का मुंडन हो रहा है, तो बाकी वहाँ चलते हैं। और भी आएंगे तो उनके साथ चलेंगे, बाकी यहाँ से एक बार रांची चलते हैं। देखो एक ही दिन की बारिश से, देखो आप परसों तक पानी कितना कम आता था, बाकी आज देखो आप इतना ज्यादा पानी आ रहा है यहाँ पर से। वैसे इस देवता की धारे में कम ही पानी आता था, मतलब अब बारिश के टाइम पे तो भाई ऊपर से भी इसका आना स्टार्ट हो जाता था। अभी तो स्टार्टिंग की बारिश हो रही है, अभी तो पूरा महीना पड़ा हुआ है, तो अभी देखना आप आने वाले टाइम पे कितना ज्यादा होता है। बाकी तगड़ा वाला पानी आना स्टार्ट हो गया और इस साइड का गरेरा भी बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो गया, पानी ही पानी हो गया। दो दिन की बारिश से ऐसा कुछ हुआ है। बाकी पानी देखो आप कितना ज्यादा पानी आना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर भी वहां पर भी भाई हर तरफ पानी ही पानी। देखो भाई कितना सारी मिट्टी आ रही है भाई, इतनी ज्यादा मिट्टी आ रही है। बाकी पानी देखो अभी दो दिन की बारिश से इतना पानी आना स्टार्ट हुआ है इस रास्ते से, देखो यहाँ से भी पानी आ रहा है। लेकिन अभी ना कुछ दिन और देखो आप, यहाँ से पानी आना स्टार्ट होता है, बहुत ही ज्यादा पानी। और तो जगह आपको टूट फूट दिखती ही दिखती है, इन जगहों तो ज्यादा ही, जहाँ ऐसे भीड़ रहते हैं ना, और कहीं देखो ऐसे भीड़ बने रहते हैं वहां तो टूट फूट होती ही होती है। बाकी पानी की जगह पर तो ज्यादा होता ही होता है, क्योंकि रेगुलर बारिश होगी साथ में पानी भी आएगा, तो वैसे ही टूट जाएगा। बाकी यहाँ रोड में से ना मधुगंगा भी दिखाई देती है, तो आजकल पानी वैसे थोड़ा ज्यादा ही हो रखा है आजकल। ये देखो आप जगह जगह गधेरे आ गए हैं, तो सामने देखो आप पहाड़ पे गधेरे गधेरे आ रखे हैं, तो उस वजह से पानी भी ज्यादा हो गया, बाकी ऊपर से तो आ ही रहा है ज्यादा। यहाँ देखो भाई, इस रोड के ऊपर पे ये देखो, ये भी ना कल की बारिश से हुआ है, इतनी ज्यादा टूट फूट भाई। दीपा भाई के घर में आए थे दीपा भाई का हाल चाल पूछने के लिए। कब से? शुरू में एक दो दिन हुआ, उसके बाद नहीं है। अब ठीक है? अब ठीक है। वीडियो कब आने वाली? वीडियो आएगी किस वीडियो? देखेंगे, अगर टाइम लगेगा, सब कुछ ठीक लगेगा तो आएगी वीडियो। ठीक है, ठीक है, वेट करेंगे हम तो भाई, हम रेगुलर है भाई। बाकी भैया ध्यान रखो पाओ गया। तो अभी ऊपर वाले मार्केट आने वाले हैं, मंदिर के थोड़ा ऊपर पे वो प्रोग्राम है, बाकी वहाँ चलते हैं भाई। और खाना खुना तो वहाँ बन ही गया होगा, तो हमको खाना खाने को लगता है बस, तो चलते हैं भाई। यहाँ ऊपर में मंदिर, राकेश्वरी माता का मंदिर। दो दिन पहले से ना स्कूल भी स्टार्ट हो गई है, तो छुट्टियाँ भी समाप्त हो गई। अब तो भाई देखो आप आगे यहाँ पे अपना इंटर कॉलेज, तो अब स्टार्ट हो गया है। यहाँ गांव के बीचों बीच है माँ राकेश्वरी माता का मंदिर, ठीक पीछे। अंशु चाचा के यहाँ पे आए थे, तो यहीं पे वो प्रोग्राम है मुंडन का। बाकी चाचा जी अपने तो बहुत बहुत स्वागत है। एक तो नहीं आया किसी वजह से, हाँ उसका थोड़ा दिक्कत है, मैंने दिखाया था ना उसका पाँव लग रखा है, तो वो उसने नहीं आया। बाकी अभी यहाँ पे रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर पे खाना ही बन रहा है, तो वहाँ पे इसके बाद खाना खाने जाएंगे।
ठीक घर के ऊपर पे यहाँ पे चाचा जी और ताऊ जी लगे हैं खाना बनाने पे, ठीक पीछे देख सकते हो। बाकी गांव वालों के लिए आज खाना यही है, यही मुंडन में। और अभी यहाँ पे चाचा जी लगे हुए हैं दाल को बदलने पे, देख सकते हो। तो गांव वालों के लिए लगभग खाना यहीं पे बन रहा है। यहाँ पे दाल बन रही है, यहाँ पे सब्जी है, और ठीक वहाँ पे ताऊ जी लगे हैं चावल पे बदलने पे वहाँ पे। तो ऐसा कुछ है भाई, ये तो क्या बदल घंटी। अच्छा, ताऊ जी लगे हैं चावल को बदलने पे, देख सकते हो आप। तो अभी फाइनली खाना भी कंप्लीट हो गया है और हम चले अपने घर को। बाकी थोड़ी देर में रांची आएंगे वापस वॉलीबॉल खेलने के लिए शाम के टाइम पे, लेकिन अभी घर चलते हैं। बारिश भी आने वाली है, चारों तरफ देखो मौसम बिल्कुल मतलब पैक है। और अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन बारिश तो आ सकती है भाई, बारिश का भरोसा नहीं है। बाकी चलते हैं, शाम के टाइम पे तो थोड़ा बहुत रांची चलते हैं भाई, वहाँ कुछ काम है तो उसको भी निपटाते हैं, और साथ में अगर बारिश नहीं लगी तो ग्राउंड में भी चले जाएंगे, थोड़ा बहुत वॉलीबॉल भी खेलेंगे। बाकी चलते हैं रांची की तरफ, अब तैयार तैयार होता हूँ और चलते हैं रांची। अभी हम ना गांव से थोड़ा इधर साइड आए थे, तो यहाँ देखो भाई दो तीन दिन की बारिश है ना, इतना खतरनाक पानी आता है यहाँ। ये देखो आप, इतना बड़ा फुहारा। बाकी यहाँ पे ना आजकल बरसात के टाइम पे ना यहाँ इतना भयंकर वाला पानी आता है। तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं भाई यहाँ के पहाड़ों के। आजकल पानी देखो यहाँ नीचे, देखो आप भाई साहब, ऐसा कुछ है भाई। बाकी चलते हैं फील्ड में।